हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टार है। आज हम आप लोग को टेंस का सेकंड भाग बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका जो हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब इस टेंस में जो भी काम होगा पूर्ण रूप से पूरा नहीं होगा, मतलब अधूरा रहेगा, पूर्ण नहीं होगा, इसलिए इसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब पूर्ण कभी नहीं होगा, इसका जो पहचान है। और इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसका पहचान देखिए, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, या हुआ है, हुए हैं, हुए हो इत्यादि रहे, तो उसका अनुवाद किस में बनता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। इसका अनुवाद हम लोग बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ना यहाँ पे, जिस क्रिया के अंत में रहा रही है, देखिए ये सेंटेंस है, वह जा रहा है, जाना क्या है, क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। अब इसके अंत में देखिए ना, यहाँ पे है, रहा है, श्याम बैठा हुआ है, देखिए ना यहाँ पे हुआ है, तुम स्कूल जा रहे हो, यहाँ पे रहे हो, वह एक गाड़ी खरीदने जा रहा है, यहाँ पे देखिए रहा है, वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा है, यहाँ पे देखिए रहा है, बताए हैं ना, जिस क्रिया के अंत में ये सब क्रिया है और इसके लास्ट में क्या है, ये सब है ना, मिलता है ना, इससे मिल रहा है, तो इसका जो अनुवाद बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, किस में करेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करेंगे। इतना समझ में आ गया? अब चलिए इसका स्ट्रक्चर बताते हैं और इसको बना के दिखा रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का पहला, वर्ब का पहला रूप पहले बताया थे, अब इसमें वर्ब का चौथा रूप है। चौथा रूप कैसे बनता है यहाँ पर देखिए, चौथा रूप बनाने के लिए वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वी फोर बन जाएगा। जैसे रीड है, ये क्या है, वी वन है, और इसमें आई एन जी यहाँ पर जुड़े है ना, जब आई एन जी जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जैसे रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, वी फोर बोलेंगे। यहाँ पर देखिए आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, दे है, यू है, वी है, ये सब रहेगा तो आर का यूज होगा, या एक से ज्यादा नाम रहेगा तो उसमें भी आर का यूज करेंगे, और ही है, सी है, इट है, या किसी का भी नेम है, या किसी भी जगह का नेम है, ऐसा रहेगा तो हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल में लिखे हैं, वह जा रहा है, वह क्या है, एस है, एस मतलब सब्जेक्ट, वह का क्या होता है, ही। अब देखिए इज आर एम मतलब सब्जेक्ट के अनुसार एक यूज करेंगे, तीनों में से एक का यूज करेंगे, तो वह हमें क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज। जाना के क्या होता है, उसके बाद से देखिए वी फोर यहाँ पे लिखे हैं, मतलब जो भी आएगा वर्ब आएगा उसमें आई एन जी जोड़ देना है, जैसे जाना का क्या होता है, गो, गो में जाना, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, तो ये वी फोर हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड है तो अदर वर्ड इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, श्याम बैठा हुआ है, श्याम नाम है तो श्याम लिख देंगे, नाम में क्या लगेगा, हमेशा इज लगेगा, इज। उसके बाद से बैठना का क्या होता है, सीट, सीट में आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सीटिंग, श्याम इज सीटिंग, श्याम बैठा हुआ है, तुम स्कूल जा रहे हैं, तुम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तुम का यू, यू में क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए आर लगेगा, आर। जाना का क्या होता है, गो, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, किधर जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, वह एक गाड़ी खरीदने जा रहा है, वह का क्या होगा, ही लिख दिए, उसके बाद से देखिए ही में क्या लगेगा, ये तीनों में से एक का यूज करेंगे, इज, तो ये उसके बाद से क्या है, वर्ब का चौथा रूप। जाना का क्या होता है, गो, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू क्या खरीदने, गोइंग टू बाई ए कार, बाई मीन खरीदना, ए कार, वह एक गाड़ी खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाई ए कार, वो अगले सप्ताह दिल्ली जा रहा है, कैसे बनेगा, अब बन सकता है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, कब,
नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह। देखिए अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, ये तीनों है ना सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक का यूज करेंगे और यहीं पे नॉट का यूज कर देंगे, यहीं पे नॉट जोड़ देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, राधा नहीं आ रही है, राधा हो गया, राधा के साथ में क्या लगेगा इज का प्रयोग करेंगे, इज हो गया। अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, नहीं है इसलिए यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे। उस क्या है, नहीं आ रही है, और कम कम का क्या करेंगे चौथा रूप लिख लेंगे यहाँ पे, आईएनजी जोड़ देंगे तो कमिंग हो जाएगा, राधा इज नॉट कमिंग, राधा नहीं आ रही है, समझ में आया। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, ये देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं किससे बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसके लिए ये स्ट्रक्चर है, पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या आप घर से आ रहे हैं, तो पहले क्या है इसलिए ये स्ट्रक्चर पे बनेगा, आप में क्या लगता है आर लगता है तो इसमें से एक का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, उसके बाद एस क्या है, एस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप है तो आप का यूज करेंगे यू, उसके बाद से वर्ब क्या है इसमें आना, आना का क्या होता है कम, वी फोर बनाएंगे तो आई एन जी जोड़ देंगे कमिंग हो जाएगा, फ्रॉम अदर वर्ड क्या है घर है तो यहाँ पे हाउस हो जाएगा, आर यू कमिंग फ्रॉम हाउस, क्या आप घर से आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसमें नेगेटिव है तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर लिखे हैं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो यहाँ पे नॉट रहेगा, सब्जेक्ट के पहले भी नॉट जोड़ सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट, प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, कैसे बनेगा। देखिए इसमें से सब्जेक्ट अनुसार चूज करेंगे तो इज हो जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, एस क्या है, वह है तो वह का ही होता है, उसके बाद से नहीं है, नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद देखिए नॉट का यूज है तो यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे, नॉट सब्जेक्ट के पहले भी हेल्पिंग वर्ब में जोड़ सकते हैं, उसके बाद से वी फोर है, प्ले का क्या होता है आई एन जी जोड़ देंगे प्लेइंग हो जाएगा, उसके बाद से क्या है अदर वर्ड क्रिकेट है, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसको इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। अब देखिए सेकेंड है ये स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच प्लस इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस देखिए, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं तो क्यों का क्या होता है वाई, पहले वाई लिखेंगे, देखिए वाई हो गया, डब्ल्यू एच हो गया, ये हो गया, देखिए मैच हो गया, डब्ल्यू एच पहला इधर है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आप में क्या लगेगा आर, इसमें से एक चूज किए आर, अब उसके बाद से एस है, एस क्या है सब्जेक्ट, इसमें मेन काम क्या है आप, कौन कर रहा है आप, तो आपका क्या होता है यू, उसके बाद से क्या है वर्ब का चौथा रूप, बोलना का क्या होता है टेलिंग, एलआई मतलब झूठ बोलना होता है तो यह तो टेल मीन्स होता है बोलना, तो यह तो उसमें आईएनजी जोड़ के टेलिंग बना देंगे, टेलिंग एलआई, लाई क्या है अदर वर्ड है, देखिए इधर अदर वर्ड क्या हो गया अदर वर्ड लाई, वाई आर यू टेलिंग एलआई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसके लिए ये स्ट्रक्चर लिखे हैं, इसमें नेगेटिव है इसलिए ये स्ट्रक्चर लिखे हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच प्लस इज आर एम प्लस हेल्प सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच क्यों है तो क्यों का लिखेंगे वाई, इसका काम खत्म हो गया, उसके बाद ई जा रहे हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार चूज करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है तुम में क्या लगता है आर, तो यहाँ पे आर लिख देंगे, उसके बाद से तुम का लिखेंगे यू, उसके बाद से देखिए नहीं है इसमें ई काम हो गया, ये काम हो गया, सब्जेक्ट का काम हो गया, उसके बाद से नहीं है तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे, उसके बाद से क्या है वर्ब का चौथा रूप, वर्ब उसमें क्या है बोलना, बोलना का इधर स्पीक आई एन जी जोड़ देंगे तो चौथा रूप हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा, डब्ल्यू क्या है ट्रू है, स्पीकिंग द ट्रू, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग द ट्रू, तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो,
सही है। तो वाई आर यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई आर यू नॉट है ना, तो यू के पहले भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, वाई आरंट यू स्पीकिंग द ट्रूथ, मतलब जो एन नॉट है यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले भी और सब्जेक्ट के बाद भी जोड़ सकते हैं। तो अब समझ गए आप लोग, यहाँ जो भी लिखे हैं देखिए, अगर ऐसा सीधा सीधा सेंटेंस हो जाएगा तो उसके लिए ये है, अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस रहेगा इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव के लिए ये है, अगर नेगेटिव रहेगा इंट्रोगेटिव में तो उसके लिए ये दो लिखे हैं, चार यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, चारों का चार स्ट्रक्चर लिखे हैं, आप बना सकते हैं इस पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक।